हेलो फ्रेंड्स, हमारी ये सीरीज जिसमें हम डिस्कस करते हैं फाइव वर्ड्स इन एवरी वीडियो, जो पांच वर्ड्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। दे आर वेरी यूजफुल विच एवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू सीट इन। पहला वर्ड है हमारा एम्बिवेलेंस। एम्बिवेलेंस का मतलब क्या होता है? एम्बिवेलेंस का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, इनडिसीजन, अनिर्णय की स्थिति। यानी कि जब आप ऐसी स्थिति में हो कि आप क्लियरली एक साइड पर नहीं खड़े हो सकते हैं, तब आप कहते हैं एम्बुलेंस की सिचुएशन है। एग्जाम्पल है, द कैबिनेट वॉज इन एम्बिवेलेंस ऑन द इशू ऑफ ओपीएस। ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके पर जो कैबिनेट है वो एम्बिवेलेंस की सिचुएशन में या थी। रीजन अच्छा भी नहीं कह सकते, बुरा भी नहीं कह सकते। सेकंड वर्ड है हमारा बनाल। बैनल नहीं पढ़ेंगे, बनाल वर्ड है जो हम पिछले वीडियो से हमने शुरू किया है। इसमें ये फोनेटिक सिंबल्स डालना, इससे बहुत इजी होता है किसी भी वर्ड को करेक्ट प्रनाउंस करना। इसका मतलब होता है डल, बोरिंग, साधारण या उबाऊ, बहुत ही सामान्य सी कोई चीज़ हो इसमें कोई ज़्यादा मजा ना आए, ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, ज़्यादा नयापन ना हो, उसको हम कहते हैं बनाल। आई अटेंडेड बनाल प्रोग्राम यस्टरडे। कई बार के लिए प्रोग्राम्स में जाते हैं और बड़े बोरिंग, बड़े उबाऊ से प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिजार। बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनयूजुअल, वियर्ड, यानी कि बड़ी अजीब, बड़ी विचित्र जब स्थिति होती है उसको कहते हैं हम बिजार। ही डाइड इन ए बिजार एक्सीडेंट। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज में पढ़ा था मैंने कि एक व्यक्ति था ट्रेन में और ट्रेन के ट्रैक के बराबर में सरिया पड़े थे, वो सरिया वहाँ से किसी कारण से उठे और वो उसको लग गए। तो ऐसा एक्सीडेंट पहले या बाद में कभी नहीं सुना कभी भी, और इस तरह से उसको क्या कह सकते हैं, बिजार एक्सीडेंट कह सकते हैं, अनयूजुअल, जो कभी नहीं होता, स्ट्रेंज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसिजुअस। एसिडुअस नहीं पढ़ेंगे, एसिजुअस। एसिजुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, सेजलस, यानी कि मेहनती। देखिए एक ही साथ में कहने को केवल पांच वर्ड हैं, लेकिन उसमें भी कई सारे वर्ड आ जाते हैं, इसलिए इन सबको आप ध्यान से देंगे। हार्ड वर्किंग है, डिलीजेंट है, सेजलस है, सभी सिनोनिम्स हैं, तो सिनोनिम की एक्सरसाइज आप बड़े आराम से कर सकते हैं। माई फादर इज एन एसिडुअस पर्सन। इस प्रोग्राम में इस वर्ड के लिए मैं इससे अच्छा एग्जाम्पल कभी नहीं मानता हूँ। माई फादर, आप अपने फादर को देखें और एसोसिएट कर लें उस वर्ड के साथ, इस वर्ड के साथ अपने फादर के इमेज को, चेहरे को, एसिडुअस। वेन एवर यू सी योर फादर, यू रीड अलाउड इन योर माइंड एसिडुअस, कि एसिडुअस का मतलब क्या होता है, माई फादर। फादर को कभी नहीं बोलेंगे तो एसिडुअस को भी कहीं नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। जो टेक्निक जिसको हम बोलते हैं निमोनिक्स, कि वर्ड्स को हम कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं। लास्ट वर्ड है हमारा इस वीडियो का कैनी। कैनी का मतलब होता है वाइज, समझदार, केयरफुल, जो ध्यान से काम करे किसी का, किसी कोई भी काम करे तो। प्रूडेंट यानी कि भविष्य को देखते हुए प्रोग्राम या कोई भी काम ले, डिसीजन ले। चतुर कह सकते हैं, समझदार कह सकते हैं, खासतौर से पॉलिटिक्स और बिजनेसमैन के लिए लगता है, पॉलिटिशियंस के लिए या बिजनेसमैन के लिए। रतन टाटा इज ए कैनी बिजनेसमैन। तो रतन टाटा को कौन भूल सकता है, बहुत ही बड़ी कंपनी को ओन करते हैं, चलाते हैं, तो डेफिनेटली अच्छे डिसीजन लेते हैं, तभी वो जाके चलती है, समझदारी भरे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो पांच वर्ड हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। हर वीडियो में पांच वर्ड मिलेंगे, और मैं फिर बोल रहा हूँ पांच नहीं होंगे, पांच से ज़्यादा अपने आप ही उनके सिनोनिम्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल हम इस वीडियो में हर वीडियो में दे ही रहे हैं, साथ साथ फोनेटिक सिंबल्स, यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल करेक्ट प्रोनंसिएशन उस वर्ड का होगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल रही हैं। आप अपनी तैयारी इन्हीं वीडियोज के साथ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, एडोब ग्लोरी लर्निंग एट होम। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।